दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका आर्टिकल है उसकी यहाँ पर आउटलाइन जनरेट होने वाली है, उसके बाद में उसका टाइटल आएगा। ओके, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो इसके बाद में देखिए हमको बहुत सारी हेडिंग्स देखने को मिलेगी, जिसमें से हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है और पूरा आर्टिकल आपका रहने वाला है, वो भी हेडिंग्स के साथ। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम नीचे नीचे आ जाएंगे। जब उसके बाद में हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंक्लूजन, यानी कि आपके आर्टिकल का कंक्लूजन भी आपको, ये जो मैं आपको प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, वो आपको लिख के देने वाला है। इसके बाद में FAQs, देखिए FAQs इसने हमको बनाकर दिए हैं, ये 5 बनाकर दिए हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे कितने FAQs लेना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पर, कौन सा वो प्रॉम्प्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल का ये प्रॉम्प्ट है, जो कि इतना बड़ा है। अब क्या आपको इतना बड़ा टाइप करना है? नहीं दोस्तों, मैं आपको ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है ये गूगल डॉक्स में देने वाला हूँ आपको। आपके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको शेयर का बटन पर क्लिक कर दिया करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन है इसको हटा दे करके यहाँ पर एवरीवन कर दिया करते हैं, ठीक है, ताकि आप भी इसको एक्सेस कर पाए। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपी लिंक। तो दोस्तों आपका ये जो आर्टिकल, यानी कि ये प्रॉम्प्ट है ना आर्टिकल का, ये मैं आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पर इस वाले डॉक्स पर आ जाइएगा, और यहाँ पर आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये मिलने वाला है। अभी इस वाले प्रॉम्प्ट में हमने क्या क्या लिखा है, चलिए इसके ऊपर बात कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इससे लिखवाया है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज ए कॉन्टेंट राइटर, वेरी प्रोफिशियंट SEO राइटर, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं कि ChatGPT एक्ट करे एक कॉन्टेंट राइटर की तरह, जो कि काफ़ी प्रोफिशियंट हो, SEO राइटर हो और राइट फ्लुएंटली इंग्लिश, यानी कि उसको इंग्लिश फ्लुएंटली लिखनी है। ओके, और साथ ही साथ में उसको 2 टेबल्स बनानी होगी, जिसमें से जो फर्स्ट वाली टेबल होगी उसमें आउटलाइन रहने वाली है, और जो सेकंड वाली टेबल है उसमें हमारा आर्टिकल रहेगा। ओके, इसके बाद में हेडिंग और सब टाइटल, यानी कि ये जो सारे मार्कडाउन लैंग्वेज होती है ये हमने यूज़ करने के लिए कहा है इससे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े नीचे आ जाते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर इसको बताया कि उसको H1, H2, H3, H4 हेडिंग्स बनानी, जो कि SEO, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा H1, H2, H3, H4 ये जो हेडलाइंस होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे आर्टिकल को रैंक कराने के लिए। ओके, इसके बाद हमने इससे कहा है कि आपको 2000 वर्ड्स जो कि मिनिमम होने चाहिए इसमें आर्टिकल लिखना, और 100% यूनिक होना चाहिए, SEO ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ह्यूमन रिटन होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो हमको यहाँ पर हमने इसको बताया कि एटलीस्ट 15 हैशटैग्स का यूज़ कीजिएगा, सब हेडिंग्स का यूज़ कीजिएगा, H1, H2, H3 का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हमने इससे कहा है। साथ ही साथ में हमने इससे एक और चीज़ बोली है दोस्तों कि यहाँ पर उसको जो आर्टिकल है ये खुद के वर्डों में लिखना है, ठीक है, खुद के वर्डों में लिखना है, कहीं दूसरी तरफ से, यानी कि किसी, अगर ChatGPT ऐसा भी कर सकता है कि यार आर्टिकल की कुछ लाइनें हैं वो दूसरे गूगल के कहीं और आर्टिकल से उठा ले, तो हमने इसके लिए मना कर दिया है इससे, ठीक है। हमने सिर्फ इससे कहा है कि आपको अपने वर्डों में लिखना है, रादर कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज का उसको यूज़ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना अदर सोर्सेज से आपके आर्टिकल में। तो ये सब हमने उससे बोला है। साथ ही साथ में हमने इससे बोला है कि स्टाइल इज रिटन बाय ए ह्यूमन, तो ह्यूमन की तरह रिटन होनी चाहिए, कैसी ह्यूमन की तरह भी कैसी होनी चाहिए वो भी हमने इसको बताया है, जैसे कि इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए, है ना, और इसमें उसको पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करना है, ठीक है। आर्टिकल को सिंपल रखना है, इंगेजिंग रखना है, उसका उन्हें एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में। इसके बाद में देखिए हमने इससे बहुत सारी चीज़ें बोली, जैसे हमने कंक्लूजन लिखने के लिए बोला है इसको, ठीक है, और 5 FAQs लिखने के लिए बोला। अगर मान लीजिए कि आपको 9 FAQs चाहिए, फिर 10 चाहिए, या फिर 11 चाहिए, तो आप यहाँ पर से उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 है ना, आप इसको 10 कर सकते हैं, ठीक है, पर इस वाले प्रॉम्प्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चेंजिंग करनी है इस प्रॉम्प्ट में आपके हिसाब से, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में देखिए हमने इससे नीचे नीचे आके बोला कि आपको इस वाले टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिखना है, इस वाले टॉपिक पर, तो यहाँ पर आपको आपका आर्टिकल का जो टॉपिक है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, या फिर टाइटल या फिर कीवर्ड जो है ना वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट वो कैसे मिलने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा दिया करता हूँ। हम यहाँ पर चले जाते हैं इनकॉग्निटो टैब में, और यहाँ पर हम कर देते हैं हमारा जो लिंक था उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको जो आपका ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना दोस्तों, वो हमको कुछ ऐसे तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये बिगड़े, ठीक है, ताकि मान ली एक बंदा अगर आप में से अगर इसको चेंज कर देता तो दूसरे बंदे के लिए वो चेंज ना हो। ओके, तो मैंने इसके लिए इसको
व्यूअर के लिए रखा है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में आप आ जाइए चैट जीपीटी में, ठीक है। तो चैट जीपीटी में आने के बाद में आपको इसको करना होगा प्रॉम्प्ट के सेक्शन में एडिट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमको जो न्यू चैट है ना, आपको इस वाले बटन पर क्लिक करके नई चैट ले लेनी है सबसे पहले, तो ठीक है। अगर आप चैट पहली बार खोलेंगे तो आपके चैट जीपीटी का ये वाला जो सेक्शन है ना चैट का, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पर और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया करते हैं। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर से जो भी चेंज करनी है ना आप यहाँ पर से कीजिए, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 5 FAQs नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर 10 FAQs चाहिए तो आप यहाँ पर 10 कर दीजिए, 7 चाहिए तो आप यहाँ पर 7 कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। आपको जो इसकी लैंग्वेज है, टोन है, वो कौन सी रखनी है, इंगेजिंग रखना है, नहीं रखना है, सिंपल रखना है आर्टिकल को, वो सब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव कौन सी वो इधर आपको यहाँ पर यूज़ करनी है, तो आप ये पूरा कुछ यहाँ पर से इस वाले जो प्रॉम्प्टनेस में चेंज कर सकते हो दोस्तों। पर आप एक चीज़ को चेंज करना मत भूलिएगा दोस्तों, जो कि है इंटर कीवर्ड और टाइटल हियर। आप डायरेक्ट ही इसको पेस्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दो, नहीं आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर यहाँ पर से सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है या फिर टाइटल है उसको यहाँ पर आके पेस्ट करना होगा। तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, एग्जांपल के तौर पर हम आ जाते हैं हमारे डी स्टोर के इस अकाउंट में, ठीक है। ये जो डी स्टोर आपको पता होगा कि ये एक एफिलिएट मार्केटिंग मार्केट प्लेस है, ओके। तो हम यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर हमको $15 का कमीशन मिलने वाला है, तो हम इसका एक आर्टिकल बना लिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो दे दिया है आर्टिकल का। अब यहाँ पर हम सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो अब चैट जीपीटी है वो हमको शानदार आर्टिकल बना के देने वाला है। देखिए दोस्तों ये रहा वो आर्टिकल की आउटलाइन, सबसे पहले इसने जनरेट की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटलाइंस यहाँ पर इसने जनरेट की है और काफ़ी लंबी भी है दोस्तों। तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारा टाइटल यहाँ पर रखा है, ओके। इस वाला इंट्रोडक्शन इसने दिया है और काफ़ी इंगेजिंग अच्छा टाइटल इसने हमको जनरेट करके दिया है दोस्तों। आपके सामने दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने करी है और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ इसने दिया है और साथ साथ में देखिए कभी कभी कई बार क्या हो जाता है, हमारा जो फ्री वाला जो चैट जीपीटी रहता है ना इसमें कई बार ये रुक जाता है, ओके। तो हो सकता है ये समस्या आपको भी आ जाए, तो आप क्या कीजिए इसको कंटिन्यू करने के क्लिक कर दीजिए, ठीक है। CONTINUE, तो आप इसको कंटिन्यू बोल दीजिए, तो ये क्या करेगा जो यहाँ पर सेशन छोड़ा है वहाँ पर से ही दोबारा लिखना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, ओके। तो आप कंटिन्यू लिख दीजिएगा जिससे ये और भी ज़्यादा आपका आर्टिकल लिखने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ऐसी समस्या आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो ना काफ़ी पसंद आ रहा होगा। देखिए इसने हमको FAQs बनाकर दे दिए हैं और इसके बाद में हम कंक्लूजन भी यहाँ पर देख सकते हैं, कंक्लूजन भी इसने हमको बनाकर दिया है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी ये रुक चुका है, 4 इसने FAQs बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से कंटिन्यू बोल देंगे। तो ऐसे आप कंटिन्यू बोल के इससे जितना चाहे उतना लंबा आर्टिकल बना सकते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आपको ये पूरा पूरा जो प्रॉम्प्ट है ना मेरा ये पसंद आया होगा। अगर ये प्रॉम्प्ट पसंद आया ना तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस प्रॉम्प्ट का अगर आप थोड़ा भी हमको अप्रिशिएशन देना चाहते हैं ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।